मॉर्निंग बेटा, अब हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 7.2, ये आपकी प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन विच स्टेट दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज नोन एज अ प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे फोर नंबर्स हैं, 4, 6, 16 and 24। अगर 4:6 निकालें तो 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, क्या आया सॉल्व होके 2:3। अब हम रेशो 3rd and 4th निकालें, इसे भी हम लोएस्ट में चेंज करें, रिड्यूस करें, तो क्या करेंगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हम देखा दोनों क्या आ गए सेम। ठीक है, तो वी फाइंड दैट 2 रेशोज आर इक्वल, तो वी कैन सी दीज 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, नाउ अगर आपके पास ए बी सी डी 4 नंबर हैं, ठीक है, तो ए बी ए रेशो बी ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, सी रेशो डी। इन बीच वालों को बोलते हैं मीन्स, इन बाहर वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, वेन 2 रेशोज आर इक्वल इन प्रोपोर्शन इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम एक्सट्रीम के प्रोडक्ट करें और मीन्स की प्रोडक्ट करें, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। आप कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होते हैं 3 quantities ए बी सी आर सेट टू बी इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। कब? इफ ए रेशो बी इक्वल होता है बी रेशो सी के, या ए अपॉन बी इक्वल होता है बी अपॉन सी के, या बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर होती है। तो हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है। इनमें से कोई एक कंडीशन, अगर तीनों एक ही हैं, ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ए होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी होता है मीन, सी होता है 3rd प्रोपोर्शन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन 36, 50, 72, 100। 4 नंबर हैं, हमें पता करना है कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन ऑफ नो। तो हम क्या करेंगे, 36:50 प्रोपोर्शन 72:100, चेक करेंगे दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो ए रेशो मीन ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, यानी 36 है 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे 50 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम आ गए, ये हमारे मीन्स हैं और ये हमारे, सॉरी, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारे मीन्स हैं। हम इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ प्रोडक्ट आता में सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, सो दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। सिमिलरली यू हैव अ 4 नंबर्स, आई वॉन्ट टू चेक दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, इन दो को करेंगे और इन दो को करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया 42 और 60, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 78 और 21। बोथ प्रोडक्ट आर कमिंग अनइक्वल, दोनों अनइक्वल हैं, सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट देखिए, अभी 4 नंबर चेक करने हैं, दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, मीन में कौन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ गया 49 और 70, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ गया 35 और 98। दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सो दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, क्या होगा, ये नंबर प्रोपोर्शंस में होंगे, दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन।
फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे होमवर्क में, सेम क्वेश्चन ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है आप आपका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में, ये चार नंबर दिए, आई वॉन्ट टू चेक दीज नंबर आर इन प्रपोर्शन और नॉट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे और ये आपके एक्सट्रीम है, ये आपके मीन्स हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 1.2 एंड 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.44, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 1.6 और 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.44, बोथ आर कमिंग सेम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। अब ये दिया है, इसे सिंपल फ्रैक्शंस बना देंगे, इसमें भी वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे और चेक करेंगे दे आर सेम और नॉट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया 15 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया 9 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच केस। यहाँ पे ए अननोन है, आपको ए की वैल्यू पता करना है, ए रेशो 14 प्रपोर्शन 4:7, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा क्योंकि आपको दिया है कि ये प्रपोर्शन में है। सो क्या करेंगे, 14 × 4 हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ए इंटू 7 हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इक्वल रखेंगे 7 डिवाइड में चला गया, ए की वैल्यू आ गई 8, तो ए कितना होगा 8। अब ये नंबर आपको प्रपोर्शंस में दिए हैं, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, इक्वल रख देंगे, यानी b इंटू 46 करेंगे, 92 × 39 करेंगे, 46 डिवाइड में चला गया, 46 × 92 हो गया, 39 × 78 हो गया, सो b की वैल्यू हो गई 78। थर्ड चेक करना है, दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट, क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, ये 8 है, ये 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 डिवाइड में चला गया, कट करा, यू आर गेटिंग दिस वन, तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। अब सेम क्वेश्चन आपका ये है, इसमें भी ये आप गिवन है कि ये प्रपोर्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, 43 डिवाइड में ले गए, 43 × 86, 27 × 54। थर्ड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन प्रपोर्शनल टू द नंबर। तीन नंबर का फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, इसे हम x मान लेंगे, से करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 12 × x हो जाएगा, 14 × 9 हो जाएगा, 12 डिवाइड में जाएगा, कट करते हैं, 4 × 1 = 4, 0, 4 × 3 = 6, 5 × 3 = 9, 30 × 3 = 10, 3 = 30, दैट विल बी आंसर। यहाँ पे भी आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है और ये आपको प्रपोर्शन में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला 8x हो गया, मीन हो गया 36 × 6, 8 डिवाइड में ले गए, कट कर लिया, इसको हमने करा 2 × 3 = 2, 4 × 4, 9 × 36, 9 × 27। देखिए अब दीज नंबर्स में ये नंबर दिए, x निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, यानी 14 × 3.5 करेंगे, एक्सट्रीम में 2.8 और एक्स करेंगे, 22.8 डिवाइड में जाएगा, एक के बाद डेसिमल नीचे भी है ऊपर भी है, इसलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, फिर कट कर लिया इसे हमने, 14 × 14, 14 × 28, 35/2, 17.5 विल बी आंसर।